Hello everyone, welcome to Aspiregovtjob. Today in this video, I will discuss the Intelligence Bureau 2014 question paper part 2. Part 1 मैंने कल अपलोड कर दिया था. जिन्होंने भी part 1 नहीं देखा और previous year question मैंने और भी discuss किए हैं, अपने top right corner में I button क्लिक करके देख सकते हैं. यहाँ मैंने कल 40 तक question किए थे, आज मैं 41 से शुरू करूँगा. Before I start this video, I would like to request you to please do subscribe my channel Aspiregovtjob. For all the upcoming notification and your exam oriented video. Okay, चलिए शुरू करते हैं. Question number 41. An acid used in preservation of food stuff. किस acid का use होता है food preservation के लिए? इसका use होता है, इसमें acetic acid का use होता है. यहाँ पे option के according benzoic acid भी होता है, benzoic acid. But यहाँ पे acetic acid का use होगा, क्योंकि option में हमें वो नहीं given है. Question number 42. When a bottle of perfume is opened in one corner of room, the smell spreads throughout the room. मतलब किसी परफ्यूम की बॉटल को ओपन करते हैं तो स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है, इसका रीज़न क्या है? इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं, क्योंकि जो डिफ्यूज़न है ना, इसमें जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड और गैशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन. ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 43. वो इन्वेंटेड द टेलीविज़न. टेलीविज़न किसने इन्वेंट किया? जे एल ब्लेयर्ड ने किया था. ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 44. ए सडन फॉल ऑफ मर्करी इन ए बैरोमीटर इंडिकेट्स. अगर मर्करी में के बैरोमीटर में मतलब काफ़ी नीचे गिर जाए अचानक, तो वट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टॉमी वेदर, मतलब किसी तूफान के आने का एक संकेत है. क्वेश्चन नंबर 45. ये यूनिट्स दी हुई हैं और किसकी क्या यूनिट है, जैसे पास्कल, मैच द फॉलोइंग है. पास्कल की प्रेशर है, ठीक है, न्यूटन की फोर्स, जूल की वर्क, वाट की पावर. तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी. क्वेश्चन नंबर 46. व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड फुली और पार्शियली, इट सफर्स एन अपथ्रस्ट व्हिच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड. अगर किसी बॉडी को किसी लिक्विड में अगर इमर्ज्ड करते हैं तो उसमें एक अपथ्रस्ट पैदा होती है, जो एक जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ ना उसके बराबर होती है. ये कौन सा लॉ है? ये कौन सा लॉ है? ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 47. अर्थ कम्प्लीट्स वन रोटेशन इन 23 hours 56 minutes and 4 seconds इफ वी लुक एट अर्थ फ्रॉम आउटसाइड. मतलब अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट करती है? अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट से ऐसे ऐसे रोटेट करती है अर्थ, वेस्ट टू ईस्ट, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज कह सकते हैं. ओजोन लेयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज. ओजोन लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. एक्चुअली ये फिल्टर ऑफ अल्ट्रावायलेट रे सिलेक्टिविटी, अल्ट्रावायलेट रे का फिल्ट्रेशन करती है. 49. नासा रेफर्स टू. नासा का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा हुआ, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 50. व्हाट डज एलसीडी स्टैंड फॉर? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 51. द वर्ल्ड हाइएस्ट प्लेटू इज द. हाइएस्ट प्लेटू कौन सा? तिब्बतियन प्लेटू. 52. Which of the following vitamin helps in clotting of blood? Vitamin K helps in clotting of blood. Blood clotting में कौन help करता? Vitamin K. What is the address given to computer network connected, computer connected to a network called? कौन सा address दिया था? IP address. The full form of RBI, Reserve Bank of India. 54-2. 55. ISI in Pakistan stands for. ISI का full form क्या पूछा हुआ? इंटर सर्विस इंटेलिजेंस. 55 का 2. क्वेश्चन नंबर 56. रोजर फेडरर इज एसोसिएटेड विथ विच गेम. रोजर फेडरर किस गेम से संबंधित है? लॉन टेनिस. 56-3. द हार्मोन सिक्रेटेड बाई पैनक्रियाज इज. इनमें से कौन सा हार्मोन, बाइल जूस कौन सिक्रेट करता है? लीवर. और ये तो वाइटामिन है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाई. 57A. 58. मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली वॉज बिल्ट बाई. जो मोती मस्जिद ना, एक्चुअली मोती मस्जिद तीन है टोटल, एक आगरा में है, एक दिल्ली में है, एक लाहौर में है. मैं आपको एक इसका बता देता हूँ कैसे कैसे याद रखना. आगरा वाली की थी शाहजहाँ ने, और लाहौर वाली जहांगीर ने, औरंगजेब ने दिल्ली वाली की थी. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4. मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सबसे पहले जहांगीर ने की थी, जहांगीर ने लाहौर में की थी, उसके बाद शाहजहाँ ने आगरा, औरंगजेब दिल्ली. तो ये एक मतलब सीक्वेंसली आपको याद हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 59. चरक, सुश्रुत, धनवंतरी इन एंशियंट इंडिया आर एसोसिएटेड विथ विच डिसिप्लिन ऑफ साइंस. मतलब किस
से संबंधित थे वो आयुर्वेद से संबंधित थे, तो मेडिसिन आ जाएगा आंसर 59 का वन। 60, ऑप्शन नंबर 60, ये क्या, कदम्बरी द फेमस संस्कृत एपिक वॉज रिटन बाई, कदम्बरी किसने लिखी हुई है, संस्कृत फेमस एपिक ये बाणभट्ट ने लिखी है। 60 का टू, हिंदी नॉवेल गोदान वॉज रिटन बाई, गोदान किसने लिखा, मुंशी प्रेमचंद जी ने। क्वेश्चन नंबर 62, द रिवर नर्मदा बिगेन्स फ्रॉम विच ऑफ द माउंटेन, वो अमरकांतक प्लेटू से मैकाल रेंज से निकलती है। 62 वन। 63, गोंद ट्राइब्स आर रेसिडेंट ऑफ, विंध्याज हिल्स आर ऑफ विंध्याज, भील्स आर रेसिडेंट ऑफ, जो गोंद ट्राइब के लोग हैं वो विंध्याज के रेसिडेंट, तो भील कहाँ के हैं, भील शिवालिक के हैं, माउंटेन रेंज है ना हमारी, तो शिवालिक के हैं। 63 हो गया। 64, साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन, साइलेंट वैली कहाँ पे लोकेटेड है, साइलेंट वैली केरला पे है। दलाल 65, दलाल स्ट्रीट टू सेंसेक्स, व्हाट इज लंदन इन फ्लीट स्ट्रीट, जैसे सेंसेक दलाल स्ट्रीट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से फेमस है बॉम्बे में, तो वैसे ही फ्लीट स्ट्रीट लंदन में किस लिए, यो न्यूज़पेपर पब्लिशिंग के लिए फेमस है। 65 टू। 66, वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोकेटेड, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ लोकेटेड है, ये मसूरी में लोकेटेड है। यहाँ पे जितने भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स होते हैं, जो भी मतलब जिनकी सिलेक्शन होती है सिविल सर्विस में, उनकी ट्रेनिंग होती है। वो इज़ द चीफ ऑफ नवल स्टाफ ऑफ इंडिया, जो नवल स्टाफ के चीफ हैं वो कौन है, एक्चुअली क्वेश्चन उस टाइम का, उस टाइम थे रॉबिन के धवन, बट प्रेजेंटली हैं सुनील लांबा। हमें प्रेजेंट रखना क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68 ये हम अभी स्किप करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, द चैंपियन विनर ऑफ 2014 फुटबॉल वर्ल्ड कप, 2014 में फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता था, 2014 में जर्मनी ने जीता था, बट हमें याद रखना 2018 में किसने जीता, 2018 में जीता था फ्रांस ने जीता, किसको हराया, क्रोशिया को, 20 ईयर्स बाद जीता। अरेंज द गिवन वर्ड इन द करेक्ट सीक्वेंस, ये आप डिक्शनरी से कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले कौन सा आ जाएगा देख लो, डिससेक्ट आ जाएगा, फिर डिसिमिनेट आ जाएगा, तो ये ऑप्शन आ जाएगा 70 का वन। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, कौन सा रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा जरूरी है इंडिया में पावर जनरेशन के लिए, हमारे यहाँ पे मोस्टली कोल यूज़ होता है, इसलिए जितने भी कोल स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन है, मोस्टली कोल फैक्ट्री, कोल जो भी जितने भी हैं वह उसके नज़दीक होते हैं। वो गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, किसने दिया था ये स्लोगन, महात्मा गांधी ने 1942 में ड्यूरिंग जो मूवमेंट हुई थी। व्हीलर आइलैंड इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, विच स्टेट, सॉरी व्हीलर आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, जो व्हीलर आइलैंड है ना वो, उसका नाम अब डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड भी कहते हैं, पहले वो व्हीलर आइलैंड के नाम से जाना ज़्यादा था, ये उड़ीसा के कोस्ट में सिचुएटेड है, तो इसमें मतलब इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो हमारा आंसर आ जाएगा उड़ीसा 73। इंडिया गेट कहाँ पे लोकेटेड है, दिल्ली में लोकेटेड है। 74 वन, द फेमस कमाख्या टेम्पल इज सिचुएटेड इन, कमाख्या टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, ये गुवाहाटी में, गुवाहाटी कहाँ पे, असम में, असम आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, हु वाज अवार्डेड द फर्स्ट राजीव गांधी नेशनल सद्भावना दिवस अवार्ड, राजीव गांधी सद्भावना दिवस नेशनल अवार्ड किसको मिला था सबसे पहले, मदर टेरेसा को मिला था। क्वेश्चन नंबर 77, ए मेथड ऑफ बाईपासिंग नॉर्मल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस टू द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज अनऑथराइज एक्सेस, इसे बाईपास ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीआरपी, टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, इससे पता लग जाता है कि मतलब इट्स ए काइंड ऑफ टूल जिससे पता लगे कि कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। द नेशनल सॉन्ग बंदे मातरम वॉज कंपोज बाई, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी बुक आनंद मठ में लिखा था 1882 में। क्वेश्चन नंबर 80, टोडरमल वॉज मिनिस्टर फॉर विच डिपार्टमेंट इन अकबर रीजन, किस डिपार्टमेंट मिनिस्टर थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे ड्यूरिंग अकबर टाइम पीरियड, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। सो गाइज 80 तक मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए, 41 से 80 40 क्वेश्चन, तो बाकी 81 से 100 तक इंग्लिश के क्वेश्चन है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। सो जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। और मैं बिफोर आई एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एस्पायर गवर्नमेंट जॉब, एंड प्लीज़ कीप सपोर्ट एंड शेयर विथ मी।